सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर द्वारा प्रथम बैच आरक्षी सामान्य नागरिक पुलिस के प्रशिक्षार्थियों के बैच के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन फर्टिलाइजर स्थित एसएसपी के परेड ग्राउंड पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महानिदेशक प्रशिक्षण मुख्यालय गोपाल गुप्ता, द्वितीय कमान अधिकारी प्रशिक्षण अमरेंद्र कुमार पांडे, एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने 9 प्रशिक्षकों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई तथा टुकड़ियों का कमान संभाले आरक्षियों को पुरस्कृत भी किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डीजी प्रशिक्षण गोपाल गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद आरक्षियों देश के चुनौतियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। तो भले जान ऐसी वीरांगनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार सबसे भी जुदा नहीं होते, गुलबादक तैनात जो हमारे बीच आगमन होने आप बीच बीच में अफजाई करते रहे। आपने सशस्त्र सीमा बल की 27वीं वाहिनी अकेडमी कमांडेंट पदोन्नत हुए सहपत्र भी प्रदान किया। अधिकारी महोदय का हमारे भी अधिकारी गण ने उनका अभिवादन किया। आप BF-15 को आपको सशस्त्र सीमा बल के 17वीं वाहिनी में भर्ती हो। हित अर्पित अपना तन मन जीवन को सत आहुतियों में जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर। स्वाभिमान को दर्शाता है और इंसान उत्तर प्रदेश पुलिस की वीरता जोश और कर्तव्य परायणता के लिए उत्साहित करता है। जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज देश की शान है, उसी प्रकार पुलिस का ध्वज पुलिस के हर सदस्यों की आन शान और शान है। यह इंसान हमें कर्तव्य पथ पर मर मिटने के चलते को दोहराता है। 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को
मैं शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित विधि विधान के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि के अनुसार पूर्ण साहस निर्भीकता एवं उत्साह से करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा निष्पक्षता चैतन्यता परिश्रम एवं पवित्र अंतःकरण के साथ करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करें। जय हिंद। ध्वज के सम्मान में खड़े हो जाएं। आपसे अनुरोध है मानगेंद्र तत्पश्चात द्वितीय कमान ललित मिश्रा और आज के इस भव्य प्रेम की पहली टुकड़ी कमान संभाले भूप गंगेला माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन किया। Thank you.
उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर के पुलिस बलों के 101 सेंटर्स में
इस तरह की ट्रेनिंग जैसे यहाँ हो रही है वैसे चलाई गई, और उस बड़ी ट्रेनिंग को चलाने के लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण को भी ट्रेनिंग दिया। तो इसमें लगभग 1800-1900 प्रशिक्षक लोगों को ट्रेनिंग दे करके, जो कि 3-4 बटालियन के बराबर फोर्स हो जाता है, उतने लोगों को ट्रेनिंग दे करके इनको प्रशिक्षक रूप में भेजा गया और उन ट्रेनिंग से इनको प्रशिक्षण दिया। तो इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 84 जगह और उसके बाहर 15 जगह अन्य जो हमारी एजेंसीज हैं, उसके एजेंसी CRPF, CISF, SSB, उत्तराखंड पुलिस, इन सब जगह इनका ट्रेनिंग कराया गया। इस बार इनका प्रशिक्षण का जो सिलेबस था उसे रिवाइज किया गया और उसमें आधुनिक विषय जिसमें साइबर क्राइम है, इनकी तरह की एक्टिविटीज हैं, बॉम्ब डिस्पोजल है, ये विषय उसमें विषय शामिल किए गए। और सबसे हर्ष एवं गौरव का विषय ये है, इस 33,000 ट्रेनिंग का जो इसका प्रशिक्षण हुआ उसका शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 जुलाई को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से लखनऊ से स्टार्ट किया गया। सभी लोगों से इसका सजीव प्रसारण देखा, इसमें सुधार किया और हर जगह वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से या फेसबुक के लाइव के माध्यम से ये जो उनका जो उद्घाटन समारोह था वो सभी उसमें सजीव सबने देखा और उसमें हिस्सा लिया। तो ये भी पहली बार कैसे उपलब्ध है जितना बड़ा एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बाहर उससे हिंदू में सम्पन्न कराया गया। उस सबके लिए भी हम अपने सहयोगी संस्थाओं को और सभी प्रशिक्षकों को धन्यवाद देते हैं, उनके हम दिली हैं, खास करके SSB ने जिसने ये अपना हमें सुविधा प्रदान की यहाँ प्रशिक्षण की, और उनके प्रशिक्षण ने और हमारे प्रशिक्षण मिल करके आप सबके साथ मेहनत किया, आपने मेहनत किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है, आपके माता पिता के सामने है, परिवारजनों के सामने है, जो सभी गौरव महसूस कर रहे हैं। क्षमता है यहाँ पे, तो इसमें से हम लोगों ने इस बार 33,000 लोगों का प्रशिक्षण एक साथ कराया है। 101 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार प्रशिक्षण दिया गया ट्रेनिंग को, जिसमें से CISF, CRPF, SSB, उत्तराखंड पुलिस, इन सब जगह पे इनका ट्रेनिंग हुआ है। और उत्तर प्रदेश में सेंटर्स और बाहर के 15 सेंटर्स से मिला करके 101 जगह इनका ट्रेनिंग कराया गया। इसके लिए लगभग 1800 ट्रेनर्स हमने ट्रेन कराया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब ट्रेन कराते हैं तो हर जगह आपको इंडोर के आउटडोर के ट्रेनर्स चाहिए। तो नए सिलेबस रिवाइज करने के बाद इनका सबका प्रशिक्षण पूरा हुआ। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया था 25 जुलाई को लखनऊ से एक साथ सारे केंद्रों में, तो वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से और फेसबुक पर सब जगह एक साथ प्रशिक्षण इनके साथ में प्रशिक्षण पूरा इस बैच का पूरा हो गया है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रिकॉर्ड रहा है कि एक साथ इतने लोगों का ट्रेनिंग का एक साथ प्रशिक्षण पूरा हुआ। आज यहाँ पासिंग आउट पूरी हुई, यहाँ के लोग जो थे संख्या वो 979 की संख्या थी। देखिए, अभी का जो मुख्य हमारा कार्य है वो है कि हम किस तरीके से अपराध को नियंत्रित रखें और किस तरीके से जो नई से नई टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम खास करके है या एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर सतर्क रहें। तो सारे विषय पर इनको ज्ञान दिया गया है, सब ट्रेनिंग कराई गई है, फायरिंग का अच्छा अभ्यास कराया गया है, अच्छे ट्रेनर्स हैं यहाँ पर, और एक बहुत ही आपने देखा होगा इनका उत्साह आज खुद महसूस किया होगा। तो इंडोर के सारे सब्जेक्ट्स और आउटडोर के सब्जेक्ट्स सब जो हमने रिवाइज़ कर दिए हैं, और अब वो हमारे जो सिलेबस है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है वो पूरे इंडिया से एट पार है, और कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना पढ़ाई जाती है इनके यहाँ पर। उस ट्रेनिंग के साथ में, उस स्किल के सीखने के साथ में जा रहे हैं। और मैंने अभी कहा कि ये दीक्षांत का मतलब है, दीक्षा का अंत हुआ है, शिक्षा का अंत नहीं हुआ है। लगातार हमें नई नई चुनौतियाँ स्वीकार करनी है, नया नया टेक्नोलॉजी आता है उसकी जानकारी रखना है, ताकि हम हर समय अपना योगदान दे सकें और सफल हो सकें उसमें अपराधियों के विरुद्ध।